তুলে নিয়ে আসছে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড। হ্যাঁ পৃথক রাজ্য দেখিয়ে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কিতনা আদমি ইউনাইটেড হুয়া। तो दार्जिलिंग में चिल्लाने से पहाड़ में चिल्लाने से गोर्खाल्यान्ड होगा, दैट इज सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है। बस ये आदमी जुगाड़ने के लिए एक मुद्दा बन गया इन लोगों को, लेकिन अभी ये मुद्दा से नहीं होगा। अब लोगों को देखा तीन लोग जितेंद्र भी लड़ा था वही मुद्दा से, और मैं आदमी लोगों को मतलब बिना ड्रीम देखा के सिस्टमेटिक इलेक्शन लड़ा। सो अभी आदमी लोगों को मालूम हो गया कि हमारा पहाड़ में लीडर लोग पुलिस बनाना है। कितना दिन हम लोग पीछे चले पहाड़ डीप प्रोजेक्ट के लेके, और ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है ना, स्टेट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो स्टेट में स्टेट का बात होना चाहिए, तो इसीलिए स्टेट में मैं हम लोग जितने स्टेट एक्ट का सब्जेक्ट है, जो बिमल गोरेम भी था, दिनेश अमंग भी था, जब तब था ठीक था, जब आदमी निकल गया ठीक नहीं बोल रहा है, तो इसी से स्टेट से बात करके इसको ठीक करना है, पॉलिसी ठीक करके। एक ही टाइम में नहीं होता है, उसको बार बार पॉलिसी उससे विनय तामुल जी ऑब्जेक्शन कर रहा था, आपको मालूम है जब विमल गुरु आंदोलन टाइम में अजय एडवर्ड के विमल गुरु ने पहाड़ से भगा दिया था, तो उन लोगों का विलन कैसे होगा बोलिए। उन लोगों का मिलन बस बनी था और बीजेपी पार्टी के वो मतलब प्रेशर करने के लिए मिलन, लेकिन वो लोग मिलकर भी राजनीति का वोट धोखा नहीं, वो लोग राजनीति म्यूनिसिपलिटी में धरना दे रहा था एक महीना, वो लोग सब मिलकर बस उन लोगों का वोट बचाने का बचा नहीं सका। तो मतलब मकसद ठीक होना चाहिए, उन लोगों का जो इश्यू ठीक होना चाहिए, बोला उन लोगों का इश्यू ये है कि अभी बीजेपी पार्टी और अनिल थापा को डाउन करना है, और मेरा इश्यू ये है कि मेरा पहाड़ कैसे आगे लाना है। भाई इधर तो आबार गोर्खाल्यान्ड समस्या समाधान हो ना, अपना की व्यक्तिगत देखिए अभी हम लोग जीतिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक्ट में बना हुआ है, सो प्रेजेंट स्टेटस जीतिए, सो मैं प्रेजेंट स्टेटस में काम करना चाहता हूँ। तो जीते आप गोर्खाल्यान्ड तो आप सेंट्रल को पूछिए ना, तो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, मैं जीटीए का सब्जेक्ट लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में आया हूँ। सो अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है पे उस पर काम करना चाहता हूँ। सर वोट आसले जीटीए भी सही जो ना कि जीटीए जीटीए बोल रहा हूँ गोर्खाल्यान्ड विषय तुला ना होते कोई दे पाले सेंट्रल तो अभी जाने ना हमार इश्यू बस डेवलपमेंट। अभी गोर्खाल्यान्ड उन लोग गोर्खाल्यान्ड बोल रहे घटना का लोग आ रहा है इस बार, अभी आप लोगों को मालूम हो गया कितना दिन सफर होगी पहाड़, कितना साल सफर होंगे पहाड़ को लिए, तो डैमेज होता है। अभी आप लोगों को मालूम है ये स्टेट सब्जेक्ट इश्यू ही नहीं, सेंट्रल सब्जेक्ट इश्यू है। सो इस इश्यू के लेकर हम लोग पहाड़ कितना और पीछे चला जाए। सो आई एम वेरी मच क्लियर, मैं पहाड़ को आगे लाना चाहता हूँ, पहाड़ को पॉलिसी में ठीक करके पॉलिसी फ्रेम करके आगे लाना चाहता हूँ। देखिए अभी हम लोग जीतिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक्ट में बना हुआ है, सो प्रेजेंट स्टेटस जीतिए, सो मैं प्रेजेंट स्टेटस में काम करना चाहता हूँ। तो जीतिए आप गोर्खाल्यान्ड तो आप सेंट्रल को पूछिए ना, वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, मैं जीटीए का सब्जेक्ट लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में आया हूँ। सो अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। वोट आसले जीटीए भी सही जो ना कि जीटीए जीटीए बोल रहा हूँ गोर्खाल्यान्ड विषय तुला ना होते कोई दे पाले सेटिंग तो आप जाने का ना हमार इश्यू बस डेवलपमेंट। अभी गोर्खाल्यान्ड उन लोग गोर्खाल्यान्ड बोल रहे घटना का लोग आ रहा है इस बार, अभी आप लोगों को मालूम हो गया कितना दिन सफर होगी पहाड़, कितना साल सफर होंगे पहाड़ को लिए, तो डैमेज होता है। अभी आप लोगों को मालूम है कि ये स्टेट सब्जेक्ट इश्यू ही नहीं, सेंट्रल सब्जेक्ट इश्यू है। सो इस इश्यू के लेकर हम लोग पहाड़ कितना और पीछे चला जाए। सो आई एम वेरी मच क्लियर, मैं पहाड़ को आगे लाना चाहता हूँ, पहाड़ को पॉलिसी में ठीक करके पॉलिसी फ्रेम करके आगे लाना चाहता हूँ।